दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अब आतिशी नई सीएम बनने जा रही है। उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा और आतिशी की ओर से नई सरकार बनाने का दावा पेश करने का पत्र राष्ट्रपति को भेज दिया है। आतिशी ने मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण के लिए कोई भी तारीख नहीं मांगी है, यानी जो मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाला नेता होता है वो तारीख की डिमांड कर सकता है, लेकिन आतिशी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। इसलिए दिल्ली के उपराज्यपाल ने नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तारीख 21 सितंबर प्रस्तावित की है, यानी आतिशी 21 सितंबर को शपथ ले सकती है। और अब बात आकर अटक जाती है कैबिनेट मंत्रियों पर कि आतिश सरकार के अंदर कौन कौन मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे विभाग तो खुद आतिशी के पास में थे, तो अब वो मुख्यमंत्री बन रही है तो कौन से मंत्रियों को, अब कौन से नेताओं को मौका मिल सकता है, या पुराने वाले चेहरे ही देखने को मिलेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। जानकारी के अनुसार आतिशी ने कहा है कि वो अपने कैबिनेट मंत्रियों के नाम बाद में सौंपने वाली है। आपके हिसाब से यहां पर कौन कौन कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आतिशी के अनुसार इसका मतलब है कि अभी तक उन्होंने कैबिनेट के नाम नहीं दिए हैं, तो तय भी नहीं किए होंगे, इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। और पूरी संभावना है अभी आतिशी अकेले ही शपथ ले सकती है, जो कि 21 सितंबर को शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम प्रस्तावित है, क्योंकि उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति को पत्र भेजा है। वर्तमान में दिल्ली मंत्रिमंडल में सबसे अधिक विभागों की जिम्मेदारी वो खुद संभाल रही है। अभी पिछले केजरीवाल सरकार तक उनके पास में वित्त, जल, शिक्षा, लोक निर्माण, बिजली, राजस्व, योजना, सेवा, कानून, सतर्कता और अन्य प्रमुख विभागों के जिम्मेदारी थी। आतिशी ने आम आदमी पार्टी की स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब से अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर गए थे या उनके अन्य मंत्री जेल के अंदर थे, तब से आतिशी फ्रंट फुट पर खेल रही थी, यानी हर बात, हर मोर्चे को वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ में उठाती थी और केजरीवाल सरकार का बचाव भी करती थी, और मोदी सरकार पर सबसे ज़्यादा हमलावर भी आतिशी ही नजर आई थी। आतिशी को सरकार के कामकाज में तेजी लाने के लिए भी जमीन पर उतरना होगा। यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के 5 महीने जेल में रहने के कारण आप सरकार का कामकाज काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है, यानी 5 महीने से उन्होंने किसी भी फाइल के ऊपर साइन नहीं किए हैं, और अब जब बेल पर वो बाहर आ गए, यानी जमानत पर बाहर आए थे, तो अरविंद केजरीवाल पर कुछ नियम शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी कि वो किसी भी फाइल के ऊपर साइन नहीं कर सकते हैं, सीएम दफ्तर नहीं जा सकते हैं। ये भी एक वजह अरविंद केजरीवाल का इस्तीफे को माना जा रहा है कि जब वो साइन ही नहीं कर पाएंगे, उनके पास में पावर ही नहीं रहेगी, तो सीएम पद का कोई मतलब नहीं है, इस सीएम पद को किसी और अन्य नेता को दे दिया जाए ताकि दिल्ली का विकास हो सके और आम आदमी पार्टी की जो योजनाएँ हैं, जो उन्होंने सोच रखा है आगामी चुनाव से पहले लागू करना है, वो आसानी से काम किया जा सके, ताकि आगामी चुनाव में वोट मांगने में भी आसानी रहे और जनता के मुद्दे भी प्रमुखता से उठाए जा सके, उनके ने अपने कामकाज का ब्यौरा भी रखा जा सके। तो आतिशी की पारी इतनी आसान नहीं रहने वाली है। अब सबसे पहले तो उनका शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और उसके बाद में कैबिनेट मंत्रियों के नाम ये तय करेंगे कि किस दिशा की ओर अब आम आदमी पार्टी जा रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।